जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और कुछ प्रार्थना करती हूँ। सुनना खबर कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको आपने यहाँ पर उपस्थित किया है इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो आए जो आने वाले पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ में, उनको सही सलामत ले आना पिता परमेश्वर और उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना। मेरे इस कलीसिया को मैं आपके लहू से कवर करना। जो भी हम आज यहाँ पर स्तुति आराधना करें, वचन सुने पिता परमेश्वर, उसे सौ गुना फल लेकर जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए। जो भी जिनकी जरूरत है पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ में, जरूरतों को मैं आपके हाथ में। हर एक को अपने नौकरी के लिए आशीषित किया करके धन्यवाद। जो बीमार थे उन्हें चंगाई दी करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु आने वाले समय को और इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, सिस्टर रंजना को भी मैं आपके हाथ में। जो भी वो हमें आज वचन सुनाए उन्हें हम पर ले कर जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में भजन संहिता 96 देखते हैं 1 से। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम का धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आचार कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान सामर्थ्य और शोभा है, हे देश देश के कुलों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय सिदाई से करेगा, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे, हे यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह अपने आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। सब आनंदित है। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिखाया दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि आज हमें यहाँ आने के लिए प्रभु आपने उत्साहित किया, आशीषित किया प्रभु, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ, मेरी सोच विचार बुद्धि ज्ञान को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलाना प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे ऐसे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध हुए प्रभु, सारे पापों की तुम्हें क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोके शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु, जो
आपने हम पर किए प्रवेश, मैं धन्यवाद करती प्रवेश उस लहू के लिए प्रवेश, उस लहू के द्वारा तूने हमें पवित्र ठहराया प्रभु, मैं धन्यवाद करते प्रवेश, तूने हमें पापों की क्षमा दी है, हर बुराई से तूने हमें बचाया है प्रवेश, हर एक पाप के राह से तूने हमें मुंह फेरने का प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 के योग्य हेतु, स्तुति के योग्य हेतु प्रभु, महिमा के योग्य प्रवेश, सारे सृष्टि का मालिक हेतु, आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा भी तू है प्रवेश, सचमुच सब कुछ तेरे द्वारा है, सब कुछ तुझ में सीमित है प्रवेश, तू है और रहेगा प्रवेश, तू शुरू से था प्रवेश, तू शुरुआत और अंत है प्रवेश, मैं धन्यवाद करती प्रभु, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती प्रवेश, क्योंकि तू तीनों लोगों का स्वामी प्रवेश, मैं धन्यवाद करती प्रवेश, इस पृथ्वी और पृथ्वी के जितने भी लोग हैं प्रवेश, जीव जंतु झाड़ पशु पक्षी मनुष्य प्रवेश, सब कुछ तेरे हाथ की प्रभु है, सब कुछ तूने बनाया प्रवेश, हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रवेश, क्या ला सकते हैं तेरे सामने, हम क्या भेड़ चढ़ा सकते हैं प्रभु, सिर्फ धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश, हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ में रहना, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करना, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद सारा आदर गौरव प्रवेश में आपको के नाम से मांगते हूँ, सुन और कबूल कर देता, आमीन आमीन आमीन, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं, तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, सचमुच प्रभु तेरा नाम महान है प्रभु, तीनों लोगों में तेरा नाम ऊंचा है प्रवेश, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है तू है प्रवेश, मुर्दों से जी उठा है प्रभु, सचमुच प्रवेश तू आया इस धरती पर हमें पापों से छुड़ाने के लिए, कोई नहीं हमारे पापों के लिए मेरा प्रभु, सिर्फ तू मेरा प्रभु, और उस पापों से हमें निकाला प्रभु, और अभी स्वर्ग में विराजमान है जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, पिता के दाहिने ओर बैठे, इतना प्यार तेरा प्रभु, निस्वार्थ प्रेम तूने हमसे किया प्रवेश, उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, उस दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करेंगे बेटा खुशी में माँ खुशी पैदा हुआ बनाए काम देखो बाबा शैतान
पाया कर ची नाचो गाओ मंत्र थोड़ा सा उछलो ताली बजाओ नाचो गाओ देखो बाबा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो बाबा तेरा हो आशीषों से भरते रहो
धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आकर्षित परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आज की सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा उन्हें दीजिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस जगह का ताबा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हम सब बहनों के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह हाथ मांगते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु। और जो आदि में है प्रभु, रस्ते पे प्रभु उनको अब समय पे लेके आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी भारी उपस्थिति इस जगह पे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए, हर एक को अपनी आत्मा से स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अनुग्रह मांगते पवित्र आत्मा, हर एक गीतों में प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आप बड़े प्रभु हम घटते जाए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। शुरू से लेके आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु। हमको मिली है शांति प्रभु के दीदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु के दीदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन बने, याद तुझे करते हम अपने जीवन बने।
अनुग्रह किया, अभिषेक किया करो, धन्यवाद सबको, अपने राज्य में बढ़ाया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके राज्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हमें मिल रहा है पिता परमेश्वर, आपकी तरफ से मिल रहा है परमेश्वर, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन आमीन आमीन, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, और किसी को प्रार्थना करना है तो कर सकते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा भी प्रॉब्लम वो भी है सॉल्व करना, फिर वो इश्यू तो बहुत कुछ मैंने ये किया है और भी थोड़ा बाकी वो भी कर देना सबका, धन्यवाद को भी अच्छा धन्यवाद रूपेश, पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें, पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद 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 तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जता करते हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जता करते हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू किसी से
से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बहुत कीमती है प्रभु, सचमुच प्रभु तेरे लहू में हमारे पापों की क्षमा है, हमारी चंगाई है, हमारा उद्धार है, हमारा आशीर्वाद है प्रभु। उसमें सब कुछ प्रभु यीशु उस लहू के द्वारा है प्रभु हमारे जीवन में। उस प्रेम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु सब कुछ आपने हमारे लिए किया प्रभु, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया प्रभु यीशु, और आज भी हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। हमें कोई याजक की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं प्रभु, उसने सीधा हमारा रास्ता आप खोल दिया है परमेश्वर के साथ बात करने के लिए प्रभु। उस लहू के द्वारा ही हो चुका है प्रभु यीशु, उस लहू के द्वारा प्रभु, उस लहू से जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो पिता से बात करने के प्रभु हमें तुम्हें सामर्थ्य है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे लहू में प्रभु ताकत है, सामर्थ है, बुद्धि है, ज्ञान है प्रभु यीशु। तेरे लहू के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग आए, मारे गए, गाड़े गए, मगर वापस कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ किसी का, मगर तेरा हुआ प्रभु यीशु। तू लोगों को दिखाई भी दिया प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे 40 दिन, और जाते हुए भी लोगों ने देखा प्रभु यीशु, सत्य है प्रभु कि तू जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है, मेरे लिए और हमारे लिए तू मध्यस्थी की प्राप्त है। उस प्यार के लिए, उस सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, उस खून के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से।
से करते हैं तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से ईशो तू ही है, तू ही है के देश है उन सभी के सभी को आपके हाथ में परमेश्वर, जो भी उन देशों में चल रहा हो आप उनको देख लेना पिता परमेश्वर, जो भी रोजी रोटी है सबको दी है इस देशों में, सबके ऊपर आपका आशीष हाथ रखना पिता परमेश्वर। देशों में जो भी मंत्री है जो भी चला रहे हैं उन देशों को, उनको ज्ञान और बुद्धि से भर लेना परमेश्वर। हम भी आए अपने प्रदेश को, प्रदेश में हमपाओं को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ के सभी हमारे एम्प्लॉय लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस को, उनके नौकरी को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को आप आशीष करना, हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा सभी परिवार सुरक्षित है, व्यवस्थित है करके मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा आपके राज्य में बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी सभा को आपने नई आत्मा से भर दिया, धन्यवाद करके पिता परमेश्वर। हम सब पर आपका अनुग्रह है इसलिए धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा आपने आपके हाथ में देखी पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी अच्छे मार्ग ऐसा विश्वास करते हैं। अगली सभा में भी हम सब के साथ आपको भी ऐसा विश्वास अगली सभा को भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आए हैं, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। जरूरतों को आप जानते हो पिता परमेश्वर, क्यों नहीं आए ये भी आप जानते हो पिता परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित करना और भाई बहनों को आप सुरक्षित रखना। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। नई आत्मा से अब हम आप इस परीक्षा को भरोगे ऐसा मैं विश्वास करती हूं। आप ही जानते हो नई आत्मा कहाँ है, कैसे आएगी, वो आप ही पूरा करोगे पिता परमेश्वर, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। नई आत्मा से मेरी परीक्षा भर गया। धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जयपुर कुमार, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको अपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके पिता परमेश्वर। आप जानते हो उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आप जो भी करोगे उनके जीवन में अच्छा ही करोगे के लिए करोगे, इसलिए उन्हें जो भी नौकरी चाहिए उन्हें मिली ऐसा मैं विश्वास। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तान्या, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, माला और बैग खुद पिता परमेश्वर। हम सबको अपने अच्छा स्वास्थ्य किया करते हैं। धन्यवाद। कभी
भी जिनकी बीमारी थी, जो भी तकलीफ थी, उन्हें आपने दूर किया, अच्छे स्वास्थ्य उन्हें आशीषित किया, सभी को चंगाई मिली करके धन्यवाद सारा आदर गौरव महिमा आपको छुटकारा के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर विनोद दीपक सत्तू मुकेश राहुल मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर जो भी छुटकारा हमें चाहिए वो आपने दिया धन्यवाद जिनके भी जो छुटकारे के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन्हें आपने सुना आपको प्रतिक्रिया करके धन्यवाद सभी को हर एक बुराई से छुटकारा मिला करके धन्यवाद मेरी नहीं बट आपकी इच्छा सबके जीवन में धन्यवाद धन्यवाद गाना भी गाएंगे कहता है दिल काट लो तो कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु ये सुने कार्य महान मेरे प्रभु कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु ये सुने कार्य महान मेरे प्रभु तूने सुनाए गरीब बल को ऐसे कहूँ धन्यवाद तूने सुनाए गरीब बल को जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर तेरे आकाश की झरों के खोल के प्रभु आप कृपा के आशीष देने वाला तू परमेश्वर देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग आमेन आमेन वचन सुनना है सब तैयार है वचन सुनने के लिए ये हमने ऊपर फेंका ना इसे नीचे क्या आया जो फेंका वही आया ना अभी समझ लो मैंने ये ऊपर फेंका यही नीचे आएगा पेन ऊपर फेंका पेन ही नीचे आएगा है ना जो हम ऊपर फेंकेंगे वही नीचे आएगा तो हमें क्या करना है प्रभु से प्रार्थना करनी है तो हमारे धन्यवाद के भेंट है वो परमेश्वर को देना है और हमारे दुख दर्द क्लेश मुसीबतें परमेश्वर के चरणों में देना है क्योंकि उस कालवरी क्रूस पे हमारा दुख दर्द सब उसने ले लिया इसके लिए धन्यवाद देंगे आशीर्वाद आएगा परमेश्वर की महिमा करेंगे ऊपर से आशीर्वाद आएगा है ना जो हम परमेश्वर को देंगे वो वापस आएगा इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के करीब रहना है परमेश्वर की जो आग है हमारे अंदर चलते रहनी चाहिए तो आओ हम प्रार्थना करते हैं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा पाव नए सामर्थ्य से मुझे अभिषेक करो, इस वचन को बताने के लिए मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो पवित्र आत्मा, सचमुच इस वचन को समझने के लिए आप ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दो, जो भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु हम सब के अंतकरण को स्पर्श करो प्रभु, इस वचन को प्रभु यीशु सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हम बना प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू महान है प्रभु यीशु, तू देने वाला हूँ प्रभु, इस वचन का सारांश तो मुझे दे रहा प्रभु, पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन करे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमेशा उसको धन्यवाद देते रहना है, जो अच्छा है उसे हमें ऊपर देना है तो अच्छा ही ऊपर से आएगी, अगर हम दुख देंगे तो प्रभु बोलेगा तुम्हारा दुख हरण करने के लिए मैंने प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा, तुम्हारा दुख उसके द्वारा सब कुछ ले लिया गया है, तो हमें दुख दर्द को हमारे प्रभु यीशु के चरणों में देना है, धन्यवाद की भेंट हमें प्रभु को चढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता ही है कि हम जो प्रभु को देंगे वही हमें वापस मिलेगा, तो हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है, क्योंकि वो उसके योग्य है, अगर परमेश्वर की जो आग है अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना, इसीलिए हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि वो भला है, वो न्यायी है, अति करुणामय है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु भी है ना, हम जानते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा है वो हमें उसको देना है। तो हम वचन देखेंगे दूसरे कोरिन्थियों का 9:5 वचन देखेंगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, जो हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के विरोध में जो है उसको हमारे अंदर से निकाल के जो अच्छाई है उसको हमारे अंदर लेते हैं और आज्ञाकारी बन के हम परमेश्वर को जो अच्छा है वो देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम दोगे वही तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर को तुम धन्यवाद दोगे तो बहुतायत से वो आशीष भी करेगा, इसके लिए लुका 6:38 वचन देखेंगे हम, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम जो नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, और दबा दबा के हिला हिला के उमड़ता हुआ परमेश्वर हमें देगा, 38 वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तो जो हमारे पास अच्छा है वो अच्छा ही प्रभु को हमें देना है, तो अच्छा ही हमारे अंदर कैसे आएगी अगर परमेश्वर की आग हमारे अंदर होनी चाहिए ना, जैसे प्रभु हमारे पास है, प्रभु को जब हम स्वीकारते हैं तो प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है, मगर हम क्या करते हैं हमारे ही चलाते हैं सारा टेंशन लेके हम बैठ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमारे अंदर जो परमेश्वर की आग है वो जलती रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम लेव्यवस्था उत्पत्ति निर्गम निर्गम के बाजू वाला किताब है, तीसरा किताब पुराने नियम 6:6 लेव्यवस्था का 6:12-13 वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लड़कियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर दर दे और उसके ऊपर मेल
बलियों की चर्बी को जलाया करें। हाँ। वेदी पर आग लगातार जलती रहे वह कभी बुझने न पाए। हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन, वेदी पर आग हमेशा जलती रहे। आज हम परमेश्वर को किसी मूर्ति में नहीं देखते, परमेश्वर की वेदी यानी कि परमेश्वर को हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है ना, तो हमारे अंदर एक ऐसी आग लगी होनी चाहिए कि प्रभु ने हमें चुना है तो अगर हम ठंडे पड़ गए हैं तो हमें प्रार्थना करना है। अगर हम प्रभु में ठंडे पड़ गए, नए नए आते ना तो ऐसा लगता है कि प्रभु में आए हम प्रार्थना में जल्दी जाए, अच्छा सुनने को मिलेगा और अच्छा लोगों के संगति में रहेंगे। नया नया आते तो हम लोग सारे बहुत जोश से भरे हुए होते हैं, फिर धीरे 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 करके क्या होता है पता है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, फिर इधर की बातें होती है, फिर उधर की बातें होती है, फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास कमजोर होते रहता है। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दो बार लिखा है ना उसमें, तेरा पढ़ो वापस, तेरा वाला, हाँ, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, बारह और तेरह, वेदी पर अग्नि जलती रहे हाँ, और कभी बुझ न पाए हाँ, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों पर उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाए करे। वेदी पर आग लगातार चलती रहे वह कभी बुझ न पाए। हाँ, बाइबल में एक बार अगर लिखी हुई बात है तो एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दो बार लिखी हुई है तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के लिए हमारे अंदर आग लगी होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला ना कि परमेश्वर से बात करने के लिए पुराने नियमों में याजक लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, और वो याजक लोग ऐसे ही नहीं होते थे। क्या क्या किया उसने, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, लकड़ियां अपने आप आती होंगी क्या, क्या झाड़ उसने सब लगाए होंगे क्या, अभी ये झाड़ मैंने इसलिए लगाए वेदी पर जलाने के लिए चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ वो कष्ट करता होगा ना, तोड़ के लेके आता है, हाँ, हाँ, लकड़ियां जलाकर होमबली के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। चर्बी को जलाया मतलब चर्बी के द्वारा तेल होता है ना उतरता है, जैसे देखो अपन आग लगाते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं तो डायरेक्ट चूल्हे में ऐसे लकड़ी डाल के आग लगाए जल गया क्या, उसको अच्छे से रखते हैं, फिर उसको घासलेट डालते हैं, फिर जलाते हैं, वो जलते जलते थोड़ा थोड़ा जलता है वो, है ना। तो हमें भी हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति आग लगनी चाहिए कि मैं भी कुछ करूं। अभी मैं भी वहाँ ही थी, मुझे शौक था कि मैं प्रभु के राज में और बढ़ूं, मेरे मन से इच्छा थी प्रभु के साथ राज में मैं और बढ़ूं, तो प्रभु ने यहाँ पे लाया। तो आप लोगों की सबकी भी इच्छा होनी चाहिए कि यहाँ से दीदी को कब हटाऊं और मैं कब आऊं, ऐसी ईर्ष्या मन में बांधो प्रभु के राज में बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज यही कहता है कि हमें चुना है, हम राज के याजक गण है, वो राजा के जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है उसके बच्चे हम है, जो यहाँ पे हम बैठे हैं उसने हमें चुना है। अगर हमारा उद्धार हुआ है तो हमारा क्या काम है, दूसरों का उद्धार हो, तो हमारे अंदर वो आग लगनी चाहिए कि हमारा हमें सुसमाचार मिला है तो हम दूसरों को कभी प्रभु मिला है, इसीलिए अग्नि हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। और वो याजक लोग क्या करते थे, रोज प्रतिदिन सवेरे उठ के उसकी तैयारी करते थे उसको, और उसमें से आग कभी बुझने नहीं पाए। तो पुराने नियम में वो वाचा का संदूक के बारे में वो बहुत बड़ा विषय है, मगर वो आग ऐसी कभी भी बुझती नहीं जो परमेश्वर की वेदी के सामने होती है ना, वो वेदी में आग हमेशा जलती ही रहती है, तो वो कभी बुझने नहीं पाए। अगर वो बुझ गई तो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर जो है प्यार वो सब कम हो जाएगा, ऐसा मतलब हो सकता है, इसलिए वो आग वो याजक लोग कभी बुझने नहीं देते थे। इसलिए हमारे अंदर भी वैसी ही आग लगी होनी चाहिए। अभी हमारे जीवन में कितने दुख, अभी मेरे जीवन में तो कितने दुख, अभी मेरा बेटा इतना बड़ा गया है तो दुख से भी ज्यादा दुख है, मगर मेरे अंदर परमेश्वर की आग है,
अगर मैं उसी में बैठी रहूं तो फिर आप लोगों को कौन सिखाएगा? यहाँ पे कोई अभी तक तो प्रभु ने भेजा नहीं है ना, अगर भेजता तो मेरे लिए कोई और रास्ता खोलता हो, मगर मैं वहां पे ही नहीं बैठी, क्योंकि परमेश्वर पर मुझे भरोसा है कि वो मेरे पे अन्याय होने नहीं देगा। जो कुछ उसके लिए अच्छा, हमारे लिए जो अच्छा है वही वो करता है। तो हमें हरदम परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होना चाहिए और परमेश्वर की जो आग है हमारे अंदर हमेशा लगी होनी चाहिए। परमेश्वर की आग हमारे अंदर होगी तो हम हर एक मुसीबत से निकलेंगे। हर एक हमारे अंदर की आग हमें कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभी हमारे विरोध में कोई होता है ना, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई हमें कोई धोखा देता है तो हमारा मन नाराज होता है ना। हम बोलते हैं ना कि प्रभु मैं सही थी या गलत थी, हमारे विरोध में जो भी चल रहा था वो तुझे तो पता था, मगर मेरे जीवन में तू होने क्यों दिया? अभी मेरा बेटा चला गया, मुझे तो पता नहीं था, मेरे को यहाँ से प्रभु वहाँ ले भी गया, 14-15 दिन उसके साथ में रखा भी, मगर मुझे पता नहीं था। मैं बोलती ना प्रभु को कि तू ये क्यों होने दिया, हम ऐसे बोलते हैं ना, मगर प्रभु हमारे जीवन में वो होने देता है। वो हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि इसमें से भी तुम मेरी महिमा करते हो कि नहीं। लोग तुम्हें गिराएंगे, ठुकराएंगे, नाम रखेंगे, जो नाम अब जो हम बोले नहीं वो भी बोलेंगे, झूठ इल्जाम लगाएंगे, जो भी कुछ है हमारे ऊपर आएगा, मगर हमें उसका दुख मनाते बैठेंगे तो परमेश्वर की आग हमारे अंदर से ठंडी हो जाएंगी और प्रभु से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि इसमें से भी तुम्हें आगे निकलना है, इसमें से भी तुम अगर निकलोगे आगे तो परमेश्वर की महिमा कर पाओगे और परमेश्वर का जो आशीर्वाद तुमने ऊपर भेजा है धन्यवाद के द्वारा, वो आशीर्वाद बन के हमारे जीवन में आएगा। आमेन। तो परमेश्वर की आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। आग ऐसे यूं ही नहीं लगती, मैंने बताया ना कि उसको लकड़ियां लाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और वो परमेश्वर के सामने जो जानवरों की चर्बी वहां जलाते हैं, इसका मतलब है कि वो आग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे हमें भी स्ट्रांग बनना है हमारे अंदर से। बाहरी रूप तो परमेश्वर ने क्या बोला है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारे आत्मा में हमें बलवंत बनते जाना है, बलवंत बनते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारी अंदर जो आग है वो बुझने न पाए। परमेश्वर के प्रति जो आग है हमारे अंदर वो बुझने न पाए। और एक बात, जब हम चिंता करते हैं, दुख संकट आता है, हर एक का हमारा स्वभाव है चिंता करते हैं, टेंशन करते रहते हैं, तो हम अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं। चिंता करने का मतलब है घमंडी, यानी कि हमारा विश्वास प्रभु पे है तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि हमारा दुख दर्द क्लेश उसने सब कुछ ले लिया है, हमारी जो भी चिंता है उसके ऊपर डाल देना है। कितने बार कहा है उसने, थके हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अगर हम चिंता करते हैं तो हम अपने आप पर घमंड करते कि नहीं कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ होता है और मैं सब करने में समर्थ हूँ, हम अपने आप पे घमंड करते हैं। तो हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मेरे जीवन का श्वास तुम्हें दिया है, तो तुम अपनी चिंता करते क्यों बैठे हो, मेरे ऊपर डालो। मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम मेरे पास आओ और सारा सुख चैन आशीर्वाद पाओ, फ्री में मिलता है हमें, तो क्यों हमें टेंशन लेना है। तो हर घड़ी हर दम हमें प्रार्थना में लगे रहना है। अभी समझ लो आग कहीं लगती है, देखते हैं ना हम, यह आग लगी है यहाँ पे तो दूसरे घर में भी लगती है, तो ऐसी आग हमारे अंदर होनी चाहिए कि लोग हमें देख के प्रभु में आए, हमें देख के। अगर हम ही एक दूसरे का गाना दूसरे के पास गाते रहेंगे, दूसरे के पास कहानियां बनाते रहेंगे, एक दूसरे का नाम रखेंगे, एक दूसरे के खिल्ली उड़ाएंगे, तो बोलेंगे हम में और इनमें क्या फर्क है और इनके पास जाए क्यों। परमेश्वर हमारे अंदर से हमें दिखना चाहिए, परमेश्वर की आग हमारे अंदर से। अगर हमारे मेरे हाथ में कागज जला हुआ है, जलता हुआ कागज अगर इसके हाथ में देगा तो जलती हुई आग इसको नहीं लगेगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन अगर मेरे पास है, हमारे संगति में रहने वाले लोगों को वो जरूर मिलेगी आग।
इसलिए हमें हर दम परमेश्वर के बारे में ही सोचना है। भले हम क्या करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, जैसे सुबह प्रार्थना की, प्रभु को दिन दे दिया, फिर खाना खाया, पानी पिया, प्रभु को धन्यवाद दिया, फिर सोते समय प्रभु को धन्यवाद दिया और सो गए, बस आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बोलते हैं अभी प्रभु को दे दिया ना, धन्यवाद दे दिया ना, सारा दिन उसके हाथ में, बस अब और क्या करना है। मगर प्रभु क्या बोलते हैं, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, चलते उठते बैठते घूमते फिरते, है ना, घूमते फिरते हम मोबाइल पे बात कर सकते हैं, मगर चर्च ग्रुप का मैसेज नहीं पढ़ सकते, चर्च ग्रुप का क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, कहाँ टाइम है। मगर मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फ्रेंड लोग, रिश्तेदार, उनके साथ बात करने का टाइम है, मगर चर्च ग्रुप में क्या मैसेज आया है, क्या बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है, वो नहीं। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ मेरे लिए है, सारे लोगों के लिए वो नहीं है, है ना, ऐसा सोचते हैं। मगर हमें देखना है, सुनना है, क्योंकि कभी किसी के लिए जरूरत होती ना कि प्रार्थना करो, अगर किसी ने सुना है तो प्रार्थना कर देना है, किसी की तो प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उसको चंगाई देगा। इसलिए हमें ग्रुप में जुड़े रहना है, क्योंकि एकजुट जब हम होते हैं तो एक ताकत होती है ना। अभी किसी से मैं लड़ने जाऊँ, मेरे को मारने आएगा, चार जन मारने आएगा, मैं अकेले रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप तुम्हारा तुम सब साथ में होंगे, झुंड हम जाएंगे तो हमें मारने से पहले वो देख के भाग जाएंगे। वैसे शैतान जब हमारी प्रार्थना सुनता है तो उसको बड़ी बेचैनी होती है, इसीलिए वो हमारे अंदर ऐसा डालता है कि तुम सुनो ही नहीं, तुम जवाब दो ही नहीं, तुम परमेश्वर से दूर होते जाओ, ऐसा शैतान सोचता है। मगर शैतान के अभिलाषाओं को हमें पूरा नहीं करना है, क्योंकि शैतान से ऊपर हमारा दर्जा परमेश्वर ने बनाया है। शैतान को जमीन पर भेजा है कि जा तेरे सारे पृथ्वी के लोगों को तू जो करना है कर ले, मगर मेरी आत्मा जो उनके अंदर है उससे तू कुछ नहीं करेगा। तो शरीर का जो है वो उसको करने दो, मगर हमारी आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके ऊपर हमें निर्भर रहना है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, गलती पे गलती प्रभु को रोज बोलते हैं, हे प्रभु तेरे पाप, हमारे पापों की तू क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर। प्रार्थना किया, बस वापस जो हमारा रूटीन है वही करते, इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई करते, और रोज प्रभु को बोलते मैं क्या हूँ तू जानता है, मैं कौन हूँ तू जानता है, ऐसा कितना गाना गाते गाते गाते, मगर वो गाने से परमेश्वर परेशान हो जाता है। प्रभु बोलता है कि तूने मांगा है, मैंने तुझे दे दिया है, तू विश्वास करके तूने ये पाया है, तो हमें हमेशा विश्वास करते रहना है। जितने भी हम बिजी रहेंगे, हमें ऐसा नहीं बोलती हूँ कि तुम्हारा बॉस भी सामने रहेगा तो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते रहो, ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर सामने होगा और तुम प्रार्थना करते रहोगे, ऐसा नहीं। मगर हमारे मन में हमेशा हम प्रार्थना में हमारा जीवन होना चाहिए, यही विश्वासों का काम है। सिर्फ हम चुने हुए लोग, जगत से अलग किए हुए लोग, राष्ट्रीय याजक गण हमें बनाया है, वो राजा के, जीवित राजा के, जीवित परमेश्वर के बच्चे जो हमें उसने बनाया गया है, तो हमारा काम भी है कि उस दायरे में हम रहे, उस रुबाब से हम रहे, उस अधिकार से उसके अंदर हम जीवन बिताए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी तुम्हें आके कुछ बोले, कोई भी तुम्हारी बुराई करे, ऐसा नहीं चाहता है। कोई राजा की कोई बुराई करेगा, नहीं करेगा। अच्छा जीता है कोई, उसकी बुराई कोई करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि वैसे ही परमेश्वर ने हमें अच्छे से अच्छा बनाया है, इसीलिए तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए, अच्छे से अच्छा उसने सिखाया है, इसीलिए तो हम उसको सुन रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर से आग कभी भी बुझने नहीं पाएगी, बुझने नहीं देना है, वो आग को हमें प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु के करीब और मैं कैसे जाऊं। हम गाना गाते ना, तेरे और करीब, प्रभु और करीब आना है, कैसे आना है, हम प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। रोज का वचन ग्रुप में डालते हैं, जिसको पढ़ने नहीं आता है उसके लिए वॉइस मैसेज भी डालते हैं, मगर ना वो इंसान सुनता है, ना आमीन लिखता है, ना कुछ लिखता है, मगर उस वचन को क्या फायदा फिर ना हमारे जीवन में भेज के। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उस आशीष से तुम रह जाओगे, जो आशीष अभी समझ लो वचन मैंने भेजा है, पता नहीं किसके ना किसके काम आएगा वो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम आने वाला है, इसके काम आने वाला है, इसके काम आने वाला है, इसके काम आने, किसी के ना किसी के काम आएगा, मगर इसीलिए हमें वो उस वचन को हमें
पढ़ना है, क्योंकि उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में उन्नति होती है। बाइबल का जो वचन है वो हमारे जीवन के बढ़ोतरी के लिए ही है। वचन नहीं सीखेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं समझेंगे तो प्रभु के राज में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हमें वचन के द्वारा प्रभु हमें हर बात सिखाता है। अगर ये बात अभी हमारे अंदर आग जलती रहनी चाहिए, अगर ये वचन नहीं हमें पता होता तो हम कैसे बढ़ते प्रभु में, नहीं। इसीलिए प्रभु हमें हर बार सिखाता है कि आग तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए, जो ऐसी आग के प्रभु के करीब ले जाए। हमारे अंदर ऐसी आग लगनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक घर में आग लगती तो दूसरे भी घर में आग लगती। कहीं कहीं अभी मैंने परसों देखा था किसी के घर में सिलेंडर का स्फोट हो गया तो वो भी घर जल गया और उसके बाजू बाजू में 5 घर भी जले। तो ऐसा हम चाहते हैं ना कि हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे फ्रेंडों का भी हो जाए। अभी रूबी को तो मैं जानती नहीं थी, इंडिया में कहाँ थी, किधर थी, कौन सी थी, कहाँ से कहाँ की थी, मगर जहाँ वो मिली मेरे को तो वो भी प्रभु में अभी थोड़ी थोड़ी आती थी, अभी 10 साल पहले अभी आ रही है। उसको भी सुसमाचार में जो भी इंसान मुझे मिलता है उसको मैं प्रभु के पास ले आती हूँ। हमारा वही काम है कि आना न आना, मानना न मानना उसका काम है, मगर हमारा सुसमाचार बताने का काम है। प्रभु ने हमें चुना है उसलिए कि तुम्हें सुसमाचार मिला है, प्रभु का सुसमाचार जाके तुम दूसरों को बताओ। तुम्हारा उद्धार हुआ है, दूसरों का भी उद्धार हो जाए, बस यही प्रभु चाहता है। इसीलिए हमें वो परमेश्वर की आग हमारे अंदर लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सारे जगत का उद्धार हो जाए। सारे जगत के लिए वो नहीं बोला कि तुम्हारे थोड़े लोगों के लिए मैंने लोग बहाए, सारे जगत के लोगों के लिए बहाए। तो प्रभु थोड़ी ना आएगा कि मैं अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ सबको सुसमाचार बता रहा हूँ, मगर प्रभु ने हमें चुना है इसलिए कि जाके हम उसका सुसमाचार बताए और लोगों को उसके करीब लाए। इसलिए हमारे अंदर के आग को कभी भी बुझने नहीं देना है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो हमें हरदम परमेश्वर के करीब ही रहना है। तो पढ़ने पलट रहे हैं, मैं दूसरे वचन को देख रहा हूं। तो आप पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन हम देखेंगे। पहला पत्रस 2:9 क्या कहता है? पर एक तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हूं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन देखो, और 2-3 बार पढ़ो तो समझ में आएगा। पहला पत्रस 2:9 और परमेश्वर हाँ नहीं 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 पहला पत्रस हाँ, 2:9 पर तुम चुना हुआ वंश पर और यादकों का पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए कि नहीं? क्या कहा है, कितना अच्छा बोला है हमारे लिए। देखो, पर एक तुम चुना हुआ वंश, चुने हुए हम ना, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं चुने हुए वंश है। और क्या क्या कहता है, और राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज मतलब जो याजक लोग पुराने नियम में जो परमेश्वर के करीब रहते थे, तो हमें याजकों का समाज, अगर हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं
वो राजा के समाज के लोग हैं हम लोग, राजपदधारी बोला है, यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग। मैंने बोला ना राजपदधारी है, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, यानी कि परमेश्वर के करीब रहने वाले, वो सृष्टि का कर्ता, उसके करीब रहने वाले लोग हमें बोला है उसने। तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि उसके लिए हम कुछ करें, है ना। हमारे एम्प्लॉयर के लिए आधी रात को भी बुलाते हैं तो भी हम जाते हैं, क्योंकि उसने हमें वीजा दिया है। अगर जिसने हमें जीवन दिया है उसके लिए हम आनाकानी करते हैं, है ना। एम्प्लॉयर कितना भी बेकार ही हो फिर भी उसके अंडर हमें रहना ही है कि नहीं, क्योंकि उसने हमें वीजा दिया है। उसके खिलाफ हम बोल ही नहीं सकते, उसके खिलाफ हम चल नहीं सकते। मगर परमेश्वर, क्योंकि वो सामने देखता है ना, परमेश्वर नहीं दिखता है, इसीलिए हम हमारी मनमानी करते हैं। मगर परमेश्वर आत्मा में है तो हमें ध्यान रखना चाहिए ज्यादा। मैं बोली ना कितनी बार बोलती हूँ, हम अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, मगर हम बुरा कर दे तो परमेश्वर ऐसे देखता है कि मैं इसके साथ हूँ फिर भी ये बुराई के मार्ग पे चल रहा है, किसी के बारे में तो बुरा बोल रहा है, ऐसे देखता है वो। मगर हम वो देख रहे हैं, हम देखते नहीं है। इतना अच्छा हमारे लिए लिखा है उसने, कितना अच्छा लिखा है। कोई बाइबल का वचन कभी भी झूठा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है ये परमेश्वर का वचन। पर तुम एक चुना हुआ, हमें चुने हुए वंश बोला है, राजपदधारी, याजकों का समाज, जो याजक लोग जो परमेश्वर के करीब रहते थे, अति पवित्र थे और साल में एक बार प्रार्थना लेके जाते थे। अगर वो प्रार्थना, जिसकी वो विनती लेके वो पानी के कुंड में जा रहा है, अगर वो एक कुछ भी गलत पाप किया होगा तो याजक वो पानी में ही मर जाता था। अगर वो पवित्र है तो पानी से बाहर आता था। ऐसा परमेश्वर का एक है पवित्र स्थान, वैसे हमें चुना है, याजकों का समाज लिखा है, राजपदधारी और परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा किसी को बोलते हैं हम, जिस जो हमारे बहुत करीब होते हैं ना, हमारा निज, हमारा परिवार। देखो पति पत्नी और दो बच्चे या चार बच्चे, दस बच्चे, हमारा परिवार बोलते हैं ना, हमारा निज परिवार। और बाकी फैमिली के लोग जितने होते हैं, अभी हमारे देवरानी जेठानी के भी बच्चे होते, तभी भी हमारे बच्चों के जितना हम उससे प्यार नहीं करते हैं ना, वैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया, आप सबसे प्रेम किया है। तो हमारे अंदर की आग कैसे लगी होनी चाहिए कि हमें सुख मिला है, हमें परमेश्वर का सच्चा जीवन मिला है, तो हम भी दूसरे को दे, उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो आग हमारे अंदर लगी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे सारे घराने का भी उद्धार हो जाए और तुम्हारे दोस्तों का भी हो जाए। जैसे हमारे अंदर आग लगी है, किसी घर में आग लगी है तो दूसरे चार पांच घरों को भी लगते है ना, वैसे हमारा काम है कि लोगों को प्रभु के बारे में बताए। मोमबत्ती को जलते हुए देखा है ना सबने, मोमबत्ती जलती है। अब मेरे पास नहीं है मोमबत्ती, अगर होती तो लाती थी मैं। हाँ ये देखो कितने सारे उसके बाजू में है ना, ये एक कलर है, बीच में एक कलर है, और सबसे लास्ट में जो जहाँ पे धागा उसका जलता है ना, वहाँ पे देखो ब्लू कलर का जलता है, नीला कलर का, यहाँ पे नीला होता है, बाद में ऑरेंज, ऐसे अलग अलग। मगर हम इधर लगाते हैं ना हाथ तो इतना नहीं जलता है, बीच में भी लगाते हैं नाग इतना नहीं जलता है, मगर वो धागे के पास हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा चटका लगता है जोर से, है ना। वैसे परमेश्वर की आग हमारे अंदर लगनी चाहिए कि कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, कोई भी परमेश्वर के बारे में हमें भड़का नहीं सकता है और परमेश्वर भी हमें कभी छोड़ नहीं सकता है। वैसी आग हमारे अंदर लगनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो बाहरी रूप हमारा कैसा भी हो, मगर परमेश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सुधरे, आगे बढ़े, आशीषित बच्चे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के बच्चे उसने हमें बोला है, तो हमें कैसे छोड़ सकता है, हमें कैसे त्याग सकता है, हमें कैसे भटकने दे सकता है। जब हम भटकते हैं तभी हमें किसी न किसी द्वारा पर प्रभु हमें बुलाता है, समझाता है, सिखाता है, फिर अपने मार्ग पे वो हमें ले चलता है। क्योंकि जो अच्छा है वो हमें हमारे लिए वो करता है, हमें क्या पता, अभी किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन हमारे लिए क्या सोचता है, मगर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, जो अच्छा है सोचता है। यिर्मयाह का 29:11 निकालो,
आज वचन मेरे को दूसरा मैंने तैयार किया था। आधी रात को प्रभु ने मुझे सुबह जगाया कल और ये वचन दिया। वो वचन की मैंने कितनी तैयारी करके रखी थी, देखो इतने सारे लगाए हुए हैं मैंने, और बताया भी था कि ये वचन पढ़ते पढ़ते सारे थक जाएंगे, मगर वो सब रह गया और ये प्रभु ने ये वचन दिया मेरे को कि ये बता। प्रभु चाहता है इस वचन की जरूरत, क्योंकि यहोवा की वाणी, हाँ 29:11 यरमिया 29:11, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हनी की नहीं वरना कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हमें क्या कहता है परमेश्वर, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है कि हम कौन है, कहाँ है, कितने के हैं, कितने में हैं, कितने अंदर हैं, कितने बाहर हैं, वो जानता है सब कुछ। हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या होने वाला है ना। अब मुझे पता था कि अभी मैं जाऊंगी और मेरा बेटा चला जाएगा, मगर उसके लिए भी कुछ भला उसने सोचा, उसकी तकलीफ उसकी परेशानी वो जानता होगा, आगे चल के क्या होने वाला है वो जानता होगा, इसीलिए नहीं तो ऐसे बोलेंगे ना ये खुद परेशानी है, हमारी परेशानी कहाँ से दूर करेगी। मगर परमेश्वर जानता है कि हमें कब क्या करेगा वो सब बोलता है ना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वो जानता है कि हमारे जीवन में कब क्या होगा, कब कौन हमारा विरोध करेगा, कब कौन हमारे जीवन से चला जाएगा, कब हमारे जीवन में बुराई आएगी, कब हमारे जीवन में क्या होगा, वो सब जानता है। मगर हमारे अंदर वो ना आए, वो हम वहाँ पे कमजोर ना पड़े, इसके लिए वचन के द्वारा वो हमें उठाता है और अपने मार्ग पे वो हमें चलाता है। और क्या कहता है, उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब वो क्या आशा पूरी करेगा क्या नहीं, वो तो परमेश्वर ही जानता है कि हमारे जीवन में वो आगे क्या करने वाला है, इसी के लिए हमें तैयार रहना है। अगर हम हमारी परेशानी लेके बैठेंगे, हमारा दुख ही लेके बैठेंगे, दुख का दुकड़ा ही भगवान को गाते रहेंगे तो कैसे होगा ना। एक कहानी मैंने सुबह ऐसी सुनी, एक दुखी बहुत दुखी होता है, एक महात्मा आता है और उसको बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, भगवान से डरता हूँ, सब काम अच्छा करता हूँ, जो अच्छा है वो सब करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर से परेशानी जाती नहीं, मैं क्या करूँ। तो बोलता है तेरी क्या क्या परेशानी है ना वो सब लिख, ये परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी है, सारा लिख और एक पोटड़ी में बांध, और वो जाके गांव के बाहर एक पेड़ है उसको तू बांध, और क्या कर वो तेरी वाली पोटली तू उधर बांध, और वहां से जो भी पोटली तुझे अच्छी लगेगी वो तू ले क्या, और तू अपने पास उसको रख। फिर वो उठता है सुबह जल्दी जल्दी, बोलता है सारी मुसीबत अभी मेरे अंदर से दूर होने वाली है, वो झाड़ को मैं बांधूंगा। वो जाता है बड़ा खुश होके वो झाड़ को बांध देता है, और फिर बोलता है उधर सब बड़ी बड़ी पोटलियां छोटी छोटी, वो बड़ी को देखने जाता है, बोलता है नहीं नहीं इसमें बड़ी मुसीबत वाली हो गई बाबा, ये नहीं लेता हूँ मैं। फिर छोटी पोटली के पास जाता है और बोलता है ये छोटी पोटली उठाओ क्या, नहीं बाबा इसमें कुछ तो बीमारी वाला लिखा होगा, ये क्यों मैं लेके जाऊँ। फिर दूसरी पोटली के पास जाता है, बोलता है इसमें भी कोई बुराई होगी, वो क्यों मैं लेके जाऊँ दूसरे की ना, नहीं नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए सब। फिर ऐसा नहीं कि बहुत घूमा होगा ना, ये लेके जाओगी वो लेके जाओ, क्योंकि उस किसी ने वहां तो खुशियां तो नहीं रखी होगी, सारे ने मुसीबत ही मुसीबत रखी होगी। तो फिर वो सोचता है कि ये भगवान मुझे माफ कर दे, मेरा ही पोटला में लेके जाता हूँ और मैं ही इसमें से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कौन सी मुसीबत है मुझे पता नहीं, अगर वो मैं लेके गया तो ये कहाँ से चली जाएगी, उससे दुगनी मेरे पास आई तो मैं क्या करूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर का मुसीबतों का ही दुखड़ा देते नहीं रहना है, मुसीबतों का दुखड़ा हमें चरणों के पास देना है, और जो अच्छा है धन्यवाद की योग्य है वो हमें परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आग तुम्हारे अंदर लगी हुई है ना परमेश्वर की, उसको अंदर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। चर्बी का मतलब है ऑयल डालते जाओ, ऑयल का मतलब है पवित्र आत्मा को हमारे अंदर
भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। पवित्र आत्मा के अंदर हम भरेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम हमारे ही चलेंगे ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु तुझे क्या तुझे पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, तू उसमें से निकालेगा, तू मुझे अच्छा करेगा, तू मुझे चंगाई देगा, और हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो जहाँ पे रखा है उसने हम वहाँ रहते, वो जगह को छोड़ के हम बोलेंगे कि प्रभु पे हमें भरोसा है भरोसा है, दर दर भटकेंगे तो प्रभु बोलेगा अरे जहाँ पे रखा है तुझे वहाँ पे तू स्थिर नहीं है, दर दर भटक रहा है तो तेरे पास विश्वास कहाँ है। अगर तेरे पास विश्वास ही नहीं है तो तू प्रार्थना करे तो तेरी प्रार्थना पहुंचेगी कैसे मेरे पास? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि धर्मजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे मन से मुंह से कर रहे, हमारे अंदर से तो कुछ भी नहीं। प्रभु बोलते हैं तो पहले विश्वास कर। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा, वो बंदे के पास अगर विश्वास होता तो अपने दुख की पोटली थोड़ी ना लेके जाता उधर, उसको विश्वास नहीं था और फिर बाद में लगा कि दूसरे की मुसीबत मैं क्यों लेके आऊं। ऐसे हमें प्रभु पे निर्भर रहना चाहिए, प्रभु पे विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता यही है और उसने हमें उसी के लिए बनाया है। तो नीति वचन का हम 27 अध्याय देखेंगे, भजन संहिता के बाद में जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। हाँ, लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही, जैसे हमारे अंदर आग है, हमारे अंदर की आग है वो दूसरे को भी लगनी चाहिए, ऐसा लोहा लोहे को चमका देता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर की आग है वो हमें दूसरे को भी लगानी है, उसके अंदर भी हमारे अंदर आग देख के नहीं ऐसे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे वचन बता रही हूँ, अभी आलका भी आके इधर वचन बताती है, तो तुम लोगों का किसी के तो अंदर ऐसी आग होनी चाहिए कि मैं भी कभी आके यहाँ पे सुसमाचार करूँ, प्रभु का प्रचार करूँ, प्रभु के गुणगान गाऊं, ऐसी आग हमारे अंदर लगनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुमने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु पे हम विश्वास करते हैं, हमने प्रभु को स्वीकारने की प्रार्थना की है, हमें हमारा उद्धार हो गया है, तो हम यहाँ पे आके प्रभु के गुणगान कर सकते हैं। हर एक को अधिकार दिया है, जब भी हमने प्रभु का स्वीकार किया है सबको अधिकार है यहाँ पे आके प्रभु की बड़ाई करने के लिए। तो हमारे अंदर ऐसी आग होनी चाहिए कि कब मैं यहाँ आके दीदी को वहाँ पे बिठाऊ और मैं यहाँ पे कब प्रचार करूँ, ऐसे क्यों कैसे होगा ये नहीं होगा, क्योंकि हम चर्च ग्रुप में प्रेयर ग्रुप में क्या चलता है, किसी ने प्रार्थना की हुई भी नहीं सुनते हैं, क्या जरूरत के लिए किसी ने प्रार्थना की वो भी नहीं सुनते, तो हम कैसे बढ़ेंगे। हमें अगर बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। सीधे सीधे हम जाके ऊपर झाड़ पे बैठेंगे तो उतरने का पता ही नहीं चलेगा ना, हम आस्ते चढ़ते जाएंगे तभी उतरने का पता चलेगा ना, डायरेक्ट हम कूद के ऊपर जाएंगे तो उतरेंगे कैसे, ऊपर अटक जाएंगे ना। इसीलिए छोटी छोटी बातों से हम सीखते हैं कि प्रभु के राज्य में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और भजन संहिता 34:1 क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, एक मैं हर समय यहोवा को धन्यकार करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। हमें क्या करना है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करना है और उसकी स्तुति हमारे मुख से निरंतर निकलनी चाहिए। बाइबल में लिखा है ना कितने बार, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करते रहो। तो हमें जब भी मौका मिलता है तब भी हमें प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे प्रभु को दिन दे दिया और दिन में खाना खा रहे प्रभु को धन्यवाद कहा, पानी पी रहे धन्यवाद कहा, सोने के टाइम पे धन्यवाद कहा, बस हो गया, ऐसा नहीं। निरंतर हमें प्रार्थना में करने लगे रहना है। फिर हम आएंगे लेवी व्यवस्था के पास वापस, जो आग परमेश्वर की है हमारे अंदर लगनी चाहिए। बारह और तेरह में
पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए और याजक प्रतिदिन भोर को उस लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। अभी हम आप बोलेंगे परमेश्वर के सामने, अभी हम ये होम बलि ये सब तो अभी नहीं करते ना। अभी प्रभेशु जब आए इस धरती पे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तब से ये प्रथा नहीं है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए ना, ऐसा सोचेंगे ना कि अभी हम कहाँ से अग्नि जलाएंगे, बकरा लाएंगे, चर्बी लाएंगे, सब जोड़ेंगे। सबको ऐसा लगेगा ना कि ये तो होम बलि के तब पुराने नियम का है, अभी हमें क्या करना है, अभी हम कैसे कर सकते हैं होम बलि, ये सब हमारा 100% परमेश्वर को हम कैसे दे सकते हैं। इसके लिए हम ये रोमियो का 12 अध्याय एक वचन में देखेंगे। पहला वचन ना, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस समझ में आया क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, ये प्रेरित पौलुस लिखता है ना हमें, क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण, दया को, परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर कहता है, विनती करता है कि अपने शरीरों को और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम बोलेंगे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां है वो व्हाट्सएप के द्वारा आई है, उसको जो अच्छा है उसको रखना है, जो अच्छा नहीं है वो परमेश्वर के चरणों में देना है। जो हमारे अंदर से बुराई, जो इसके उसके बारे में बोलते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध में है उसको हमारे अंदर से निकालना है और परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है। साफ साफ लिखा है ना, ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे शरीर में जो भी परमेश्वर के विरोध में है उसको हमें उस वेदी पर जला के खत्म करना है, परमेश्वर के चरणों में देना है, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार होना है। तो उस आग को हमारे अंदर जलता हुआ रखना है ताकि परमेश्वर को हम भावता हुआ भेंट, अच्छा हमारे द्वारा भेंट हम उसको परमेश्वर को दे सके। अगर हमारे अंदर आग ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? अगर हमारे अंदर प्रभु की चाहत ही नहीं है, है ना, प्रभु की चाहत हमारे अंदर नहीं है, जबरदस्ती हम इधर बुलाएंगे तो प्रभु की चाहत नहीं होगी। हमें हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि सचमुच प्रभु जीवित है और हमारे लिए हमें वहाँ जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ चार बातें अच्छी मिलेगी और वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगी, इसीलिए हमें प्रभु के पास आना है। तो प्रभु यही चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमें आशीष दिया है उस आशीष में हम बरकरार रहे और परमेश्वर की आज्ञाकारी बच्चे बने, क्योंकि उसने हमें नीच प्रजा बोला है, बहुत करीबी बच्चे बोला है। तो जो करीब होता है वो कितना अच्छा होता है, कितना, है ना, जो करीब होता है उसको हम कितना प्यार करें। अभी 3 बच्चे हमारे घर में होते हैं, मगर उसमें तीनों में से एक ज्यादा बहुत करीब होता है, 2 बच्चे होते हैं उसमें से एक ज्यादा करीब होता है ना, होता है कि नहीं? 3 बच्चे होते तो अभी मेरे 3 बच्चे है ना, तो मेरा बड़ा वाला बहुत मेरे करीब होता था, वो 2 बच्चे बोलते थे इसको हम लोग वही नहीं, वो ही दादा ही बहुत प्यारा है, दादा ही बहुत प्यारा है, दादा से ही प्यार करते हैं। अब वो गया है फिर भी दादा 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 नहीं है तो इसको काम भी नहीं है, दादा नहीं तो ये पैसे जमा कर रही, दादा नहीं तो इसके घुटने में दर्द आ गया, दादा नहीं, दादा था तो सब कुछ था, अब वो गया है फिर भी दादा के नाम से मेरे को बातें मिलती है। तो
ऐसे वैसे करीब हम परमेश्वर के करीब है। उसने बोला है, सबको बोला है कि तुम याजक पदधारी लोग मेरे जितने करीब हो, ऐसे बोला है। तो हमें भी उस बात का हमारे जीवन में मान रखते हुए प्रभु की सेवा में हमें आगे बढ़ना है। आमीन। और प्रार्थना करते हालेलुया धन्यवाद प्रवेश इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रवेश प्रभु तो महान है प्रभु, अति करुणा में परमेश्वर प्रवेश। इस वचन के द्वारा प्रभु आज हमको सीखे प्रभु, ऐसा तू हमें अनुग्रह दे प्रवेश। पवित्र आत्मा के द्वारा तो इस वचन को प्रभु हमें सीखा प्रभु, अगर हम समझ नहीं पाए होंगे तो पवित्र आत्मा तू हमें मार्गदर्शन दे। सिर्फ वचन को हम सुनने वाले नहीं तो इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, सारा आदर गौरव में प्रवेश में आपको दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर पिता। आमीन आमीन। अब इस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रार्थना को सबको आता है क्या? मैं बोलूं? आता है, बोलो सबको आता है, आप बोलो, आप पीछे बोलेंगे। अब हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दिव्य कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मोल दिया, मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। ये प्रार्थना तो सबको आती है ना, साथ में बोलेंगे। जब नहीं आती तो वहां पर पढ़ के बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे, दूसरे कुरिन्थियों का 13:14। प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु मसीह की जय, प्रभु मसीह की जय, प्रभु मसीह की जय। ये जो प्रार्थना हम बोलते हैं ना, हे हमारे प्रिय, अब हम प्रार्थना करें बोलते ना, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये प्रार्थना जब हम दोहराते हैं ना, जिस दिन हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि हमने कबूल किया है कि जीवित परमेश्वर पे हम विश्वास रखते हैं, वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सब प्रार्थना में है ही है। जब हम इसको कबूल करते हैं, प्रार्थना कबूल करते हैं, उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसा सोचना नहीं कि हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जिस दिन इस प्रार्थना को हम बोलते हैं उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है। हमें